डी फोर यू न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जस्टिस की ओर से एक फैसला दिया गया है जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये हिदायत दी गई है कि अगर सही में लीगल प्रोफेशनल्स स्टैंडर्ड्स को उठाना चाह रहे हैं वो तो नए वकीलों के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी होगी फैसले में ये भी कहा गया है कि लीगर लीगल प्रोफेशन में आने वाले ज़्यादातर लोग ना केस ड्राफ्ट कर पा रहे हैं और ना ही आत्मविश्वास में कोर्ट में बोल पा रहे हैं ऐसा उन्होंने क्यों कहा हमारे साथ हैं शहर के जाने माने वकील एडवोकेट विजयंत खन्ना इनसे बात करते हैं कि जो नए युवा आ रहे हैं आखिरकार उन्हें कोर्ट में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और क्या क्या चैलेंजेज उनके सामने हैं जो हाई कोर्ट की जज को ये टिप्पणी करनी पड़ी है खना साहब नमस्कार जी नमस्कार दीपक जी।, जी, जी क्या हाल है बहुत अच्छी आपका जी हमारा डी फोर यू चैनल में स्वागत है खाना साहब थैंक यू सर खाना साहब आपको आपके ध्यान में होगा कि एक माननीय हाई कोर्ट के जज हैं उनकी ओर से एक टिप्पणी की गई है जी उसको लेकर आपका क्या कहना है कि क्या परेशानियाँ आ रही हैं और सबसे सबसे अहम सवाल ये है कि आखिरकार जज साहिबा को ये टिप्पणी क्यों करनी पड़ी है देखो ये टिप्पणी जो की गई है जैसा मैंने मैडम रेखा मित्तल की जजमेंट है उसमें उन्होंने ये स्पेसिफाई टिप्पणी इसलिए की है क्योंकि जो हमारा नया यूथ जो ग्रेजुएट होके आते हैं ला ग्रेजुएट होके आते हैं उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है प्रॉब्लम ऐसे आती है कि जब वो सीनियर को ज्वाइन करते हैं तो सीनियर्स ना तो वो सीरियस होते हैं ना ही सीनियर्स सीनियर होते सीरियस होते हैं उन लोगों के लिए कि उनको ट्रेनिंग देनी है क्योंकि जो नए लड़के होते हैं उनको एक पीछे से ला ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर दी जाती है ना तो उनको ड्राफ्टिंग के बारे में बताया जाता है कि ड्राफ्टिंग किस तरह से होनी है किस केस में किस तरह से ड्राफ्टिंग होनी है ना उनको ये माइंड में होता है कि उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है और किस स्पेशल एडवोकेट के पास जाना है उस सब्जेक्ट को लेकर सिविल करना है क्रिमिनल करना है लेबर कोर्ट करना है या इनकम टैक्स करना है मतलब कहने आपका मतलब ये कि कहने को तो उनके पास एक डिग्री तो आ जाती है कागज का टुकड़ा तो उनके हाथ में आ जाता है लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में अब खुद को कैसे कोर्ट में प्रेजेंट करना है ये चीजें उनके पास नहीं होती हैं जी इसके लिए जहाँ तक मैं समझता हूँ सबसे पहले हर स्टूडेंट की एक साइकोलॉजी टेस्ट होना चाहिए जिसमें उसकी साइकोलॉजी के मुताबिक उससे ये जाना जाए कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है क्या उसको क्रिमिनल केसेस में इंटरेस्ट है क्या उसको सिविल केसेस में इंटरेस्ट है या उसको इनकम टैक्स या लेबर कोर्ट या और जो सिलसिले हैं या वो एम में जॉब करना चाहता है सीधा एक डिग्री लेके हम कोर्ट में एक, एक सीनियर वकील के साथ चले जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम काला कोर्ट डालेंगे और प्रैक्टिस शुरू कर देंगे दैट इज नॉट ऑल द थिंग्स अच्छा खाना जी आपने ये भी कहा कि उनको सीरियसली नहीं लेते हैं सीरियसली इसलिए लेते हैं कि क्या मतलब उनको ये लगता है कि ये हमारे सामने टिक नहीं पाएगा नहीं ये बात नहीं है जी सीरियसली इसलिए नहीं ले जाता कि वो खुद ही सीरियस नहीं होते कि मैं सीनियर जो काम कर रहा है मैं सीनियर के साथ अगर सीनियर आठ घंटे ऑफिस में बैठता है चार घंटे कचहरी में बैठता है तो मैं क्या उसी टाइमिंग में सारा टाइम डिवोर्ट करूं सीनियर के साथ उनका मेन मोटिव होता है हमने काला कोड डाल लिया कचहरी में आएंगे एक दो घंटे सीनियर के साथ वॉक इन करेंगे उसके बाद हम लोग कॉफ़ी चाय पीने बैठ जाएंगे

तो उनको आखिरकार ये टिप्पणी करने की जरूरत क्यों पड़ी और क्या आपके ख्याल में होना क्या चाहिए मेरे ख्याल से बार काउंसिल ऑफ इंडिया को चाहिए कि सब बार्स को डायरेक्ट करें कि लोकल डिस्ट्रिक्ट बार्स में एक क्लासरूम्स बनाए जाए जिसमें जो नए ला ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आते हैं जब वो अपने आप को इनरोल करते हैं बार में वहां पे उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाए उनको ड्राफ्टिंग की ट्रेनिंग देनी चाहिए उनको प्लीडिंग की ट्रेनिंग देनी चाहिए आर्टिफिशियल कोर्ट्स लगा के उनको कोर्ट के आगे बोलने का मौका देना चाहिए उनको फाइल बनाने का सिस्टम बताना चाहिए कि कोर्ट में केस कैसे फाइल होते हैं जज के सामने कैसे एड्रेस करना है केस को वो सब उनको सिखाना ज़रूरी है उसके लिए उनको कम से कम तीन से छः महीने का एक ट्रेनिंग पीरियड चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट बार जो है अपने पास पुराने सीनियर्स लें अपने सीनियर्स के साथ क्लासेस एक एक घंटे की रोज की क्लासेस लें नए लाख ग्रेजुएट्स को क्लासेस में एनरोल करें और उनको हर रोज एक घंटे की क्लास दी जाए जिसमें ये सब चीज़ें सिखाई जाए उनको तो आपको क्या लगता है कि ये पॉसिबल रहेगा क्योंकि सीनियर्स uh, के पास तो इतना समय रहता नहीं है सर बार कॉन्स्टल अगर ये डायरेक्ट करती है तो हमारे जो हम अपनी लोकल बार्स में जो प्रेसिडेंट बनाते हैं वो एक रेजोल्यूशन पास करें कि हम ये सीनियर्स को सिलेक्ट करते हैं ही सिविल स्पेशलिस्ट है क्रिमिनल स्पेशलिस्ट है या दूसरे सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं। उनकी स्पेशल क्लासेस लगाई जाए हर रोज की एक घंटे की क्लास लगाई जाए डेज क्लास लगाए पांच घंटे अगर वो बच्चे पढ़ जाएंगे तीन महीने के लिए तो दे कैन बी द सुपर स्पेशलिस्ट तो उनको वो वो सब चीजों की प्रॉब्लम नहीं आएगी जो मैडम रेखा मित्तल ने ऑब्जेक्ट की है अपनी जजमेंट में तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है, तो तो है।, है तो नहीं है ऐसा कोई, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है ला ग्रेजुएट्स के लिए बर मैं समझता हूं कि यहाँ पे ला ग्रेजुएट्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए नहीं नहीं मेरा सवाल ये था भी, क्या सिनेरियो ऐसा ही है यहाँ पर भी दिक्कत आती है उन्हें प्रेजेंटेशन नहीं करनी आती और जब कोर्ट रूम में हम जाते हैं तो जज जो हमारे जज साहब बैठे होते हैं कि उनको इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं या अपना अपनी बात सही तरीके से नहीं कह पाते हैं ऐसी प्रॉब्लम आती हैं बिल्कुल ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि जो नए बच्चे आते हैं वो काफ़ी समय लग जाता है उनको ये सब चीज़ें तक आने के कि, कि ड्राफ्टिंग कैसे करनी है कोर्ट में अपना केस कैसे प्रेजेंट करना है जज के सामने कैसे अपियरेंस देनी है इवन कई बार तो मैंने ये देखा कि छः छः महीने बच्चों को हो जाते हैं तो उनको ये नहीं समझ आती कि वो किस तरफ से पेश हो रहे हैं प्लेंटिव साइड से पेश हो रहे हैं कि डिफेंडेंट साइड से पेश हो रहे हैं अच्छा सर एक एक जो खाना साहब आपने कहा है कि उसको उनको ये नहीं पता चलता सिविल में जाना है क्रिमिनल में जाना है या लेबर में जाना है क्या आप फाइनल में ये एक, एक कुछ सब्जेक्ट ऐसे नहीं होते हैं लॉ में कि उनको उनको अपनी अपना जो आ, दिशा है वो पहले ही तय करनी होती है कि या ये सब ग्रेजुएशन के बाद उनको तय करना पड़ता है उन्हें किस फील्ड में जाना है भटारी साहब दिशा निर्देश करने का कोई सब्जेक्ट नहीं होता इट इज़ ए लॉ ग्रेजुएशन ऑफ कम्प्लीट सब्जेक्ट्स हर सब्जेक्ट इसमें सिखाया जाता है इसमें सिविल भी लेबर भी इनकम टैक्स भी और क्रिमिनल भी सब सिखाया जाता है ये बच्चे का एक साइकोलॉजी टेस्ट होना चाहिए या उसका अपना एक माइंड होना चाहिए कि वो डिसाइड करे कि मेरे को क्रिमिनल सब्जेक्ट अच्छा लगता है या सिविल सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो ओनली इट इज़ पॉसिबल अदरवाइज तो नहीं ये पॉसिबिलिटी होगा अच्छा साहब मेरा भी दिल करता था जी मैं कोर्ट पहन के जाऊँ काला कोट वकील बनूँ तो हुँ. आपको क्या लगता है कि ये कितना चैलेंजिंग प्रोफेशन अब हो गया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देखिए लॉ कॉलेजेस बहुत सारे खुल गए हैं और हर साल क्या है, अगर सैकड़ों अगर हजारों की बात की जाए तो वकील निकलते हैं तो उनके सामने कितना चैलेंजिंग है ये फील्ड ये आपने वैसे बड़ा अजीब सा सवाल पूछ लिया है चैलेंजिंग तो ऐसा है कि भंडारी साहब हमारे लिए एक वकील के लिए इट इज़ ए डेली चैलेंज हम रोज एक नए चैलेंज के साथ जूझते हैं कचहरी के अंदर रोज एक नया मैं तो समझता हूँ कि मैं आज तक लर्न कर रहा हूँ चाहे मेरी स्टैंडिंग जो है थर्टी टू ईयर्स की हो गई है उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि मैं रोज़ कचहरी जाता हूँ कुछ ना कुछ नया सीख के आता हूँ दिस इज ऑलवेज चैलेंजिंग ये तो ऐसा नहीं है कि चैलेंजिंग नहीं है नहीं वो तो आपकी बात हो गई ना मैं मैं नए जो नए युवा लोग आ रहे हैं उनके लिए उनकी बात कर रहा हूँ उनके, उनके लिए, उन... लिए भी उतना ही चैलेंजिंग है जितना शायद मेरे लिए है तो कहना साहब अगर ये कोरोना काल की बात की जाए तो जो युवा वकील हैं जो सेटल नहीं हो पाए क्योंकि कोर्ट्स अभी भी मेरे ख्याल से बंद है भी तो उनके सामने कितना संकट आया है क्योंकि पिछले मेरे ख्याल से कुछ बाल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से कुछ जो युवा वकील हैं उनके लिए कुछ कंपनसेशन के लिए भी बात की गई थी बात की गई थी लेकिन अभी तक किसी को कंपनसेशन कोई मिली नहीं है सच और जहाँ तक कोरोना काल में युवा को जो ट्रबल्स आई हैं जो मैं देख रहा हूँ हमारे भी कुछ जूनियर्स हैं जो फेस कर रहे हैं एक तो सबसे पहले बात है कि ये साल का साल उनके सीखने का पीरियड जो था वो खत्म हो गया जी। एक साल वो पीछे चले गए और दूसरे नंबर पे देखा जाए जो उनको थोड़ी बहुत स्निप्ट इनकम होती थी छोटी छोटी कोई जमानतें कराने पे या कोई एप्लीकेशन तैयार करने में वो सब बंद हो गई हैं जिनकी वजह से मैं समझता हूँ कि उनको दे आर फेसिंग लॉट ऑफ ट्रबल्स बहुत ट्रबल्स उनको फेस करनी पड़ रही साहब आपने भी खन्ना लॉ फॉर्म आपकी चल रही है आपका बेटा आपके पिताजी भी वकील हैं आपका बेटा भी एडवोकेट है मतलब तीन पीढ़ियां आपके एडवोकेट रहे हैं तो आप कुछ हमारे चैनल के माध्यम से कुछ युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहें युवा पीढ़ी को जो मैं संदेश लॉ ग्रेजुएट जो युवा पीढ़ी है मैं उसको देना चाहूँगा सबसे पहले कि ये प्रोफेशन को एक अपनी ये मत सोचें कि हमने काला कोट डाल लिया है तो सब कुछ सीख लिया है हम तीन साल की या पाँच साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट करके कोर्ट में आ गए हैं तो हमने सब कुछ सीख लिया है और कल जाएंगे तो हमारे पास पैसे ही आने शुरू हो जाएंगे ये ऐसा नहीं होता ये प्रोफेशन बहुत चैलेंजिंग है मैं आज तक इस चैलेंज को फेस कर रहा हूँ और मेरे पिताजी जो है वो पिछले फिफ्टी टू से इस प्रोफेशन में है उसके बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि इस प्रोफेशन में आने के लिए हमें अपने दिलो दिमाग को एकदम से ठंडे स्वभाव से, से सोच के चलना चाहिए कि ये प्रोफेशन हमें डेली कुछ ना कुछ नया सिखाता है डेली हम कोर्ट से कुछ ना कुछ नया सीख के आते हैं कुछ लेके आते हैं और अगर हम ये सोच के कोर्ट में जाएं कि हमें सिर्फ पैसे कमाने जाना है तो ये प्रोफेशन उन लोगों के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि ये प्रोफेशन जो है एक सोशल वर्क की तरह काम करता है ये सिर्फ़ एक कमाने वाला प्रोफेशन नहीं है कमाने वाला तब है जब हम अपने सोशल वर्क या अपने इस एटीट्यूड से ऊपर उठ के अपने इस प्रोफेशन को डेडिकेशन देते हैं मेहनत करते हैं तो कमाई अपने आप आती है ये मैं संदेश देना चाहूँगा कि इसको ठंडे दिमाग से सोच के आराम से इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करें तो खाना साहब जैसे आ, हाई कोर्ट ने टिप्पणी करी है अगर हम बात करें आप अपने स्तर पर कुछ ऐसा प्रयास करना चाहेंगे या अपने यहाँ लोकल लेवल पर बाहर जो आपकी एसोसिएशन है उन्हें को सुझाव देना चाहेंगे कि यहाँ कम से कम अमृतसर में ऐसा कुछ शुरू कर लिया जाए ताकि जो युवा नए नए वकील इस प्रोफेशन में आ रहे हैं उन्हें उनके सामने जो चैलेंज कम हो सके और उनकी मुश्किलें कम हो सके उ, उन उन्हें सिखाया जा सके देखो अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया अगर प्रोवाइड करती है सब डिस्ट्रिक्ट बार्स को एक स्टेंजा देते हैं कि भई आप यहाँ पे क्लासरूम्स लगाएं लगाएँ और नए ला ग्रेजुएट्स को ट्रेनिंग सेंटर लगा के उनको सिखाया जाए प्लीडिंगस और कोर्ट अपीयरेंस सिखाया जाए तो आई विल डेफिनेटली मैं अपनी सर्विसेज ऑफर करूँगा सिविल के लिए डेफिनेटली बच्चों को मैं पाँच दिन रोज़ एक घंटा उनको सिखाऊंगा धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए ये थे एडवोकेट विजयंत खन्ना खन्ना लॉ फॉर्म चलाते हैं इनका कहना है कि युवा जो हैं युवा वकील बनकर आ रहे हैं लेकिन उनके सामने बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि उन्हें ड्राफ्ट करना नहीं आता है और केस प्रेजेंट कैसे करना है वो भी समस्या है इसीलिए शायद माननीय हाई कोर्ट की जो जज हैं उन्हें ये टिप्पणी करनी पड़ी है हमारा मकसद यही था अपने चैनल के माध्यम से उन युवा वकीलों के लिए जो इस प्रोफेशन में आ रहे हैं क्योंकि हर साल कई आ, अगर बात करें तो कई सैकड़ों कॉलेज पूरे भारत में खुले हैं सैकड़ों हज़ारों की तादाद में युवा वकील आ रहे हैं उनके सामने कई तरह की चुनौतियां हैं उन्हें भी अपनी चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा अपने सीनियर से उन्हें ट्रेनिंग लेनी चाहिए और ये इन, इनका यह भी कहना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी ये श्रेय लेना चाहिए कि इसको ज, जो है जरूरी कर दिया जाए ताकि युवाओं को मुश्किलें कमा सकें डी फोर यूनिट के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट